हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो भाई, फाइनली जो है रियल मी के टीजर्स निकलने स्टार्ट हो गए हैं। और भैया माधव सेठ सर जो हमारे रियल मी के CEO, वो ही अब बिल्कुल ऐसे हिंट दिए जा रहे हैं कि भैया हमारा जो फ़ोन है वो होगा ज़बरदस्त कातिलाना, और भाई नोट 7 को जो है वो बिल्कुल ऐसे क्रश कर देगा। बेसिकली बेस्ट मिड रेंजर का टाइटल या टैगलाइन दी जा रही है इस फ़ोन को। तो यहाँ पे दो बार ट्वीट हो चुका है माधव सेठ की तरफ से, और उन दोनों ट्वीटों के अंदर पता चल चुका है कि Realme 3 का पीछे से डिज़ाइन कैसा होगा और फ़ोन के अंदर क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा खास। और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी निकल के आई हैं जिसके अंदर की बहुत सारी चीज़ें और पता चल गई हैं। तो यार, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर उसी के बारे में सब कुछ बताने जा रहा हूँ। और यार एक और बात, मेरा एक यार दोस्त है, मतलब हमारा बहुत ही अच्छा एक मित्र है जिसका नाम है शुभम भाई। तो थैंक यू सो मच भाई, तूने यार मेरे को बहुत सारी डिटेल्स दी थी इसके बारे में, तो थैंक यू सो मच भाई। बट अगर बात करूँ यहाँ पे थोड़ी बहुत ट्वीट्स की, भैया माधव सेठ सर ने क्या करी है। सो गाइस, पहली ट्वीट जो हुई है माधव सेठ सर की तरफ से वो हुई थी, अट्रैक्शन कम्स इन मैनी फॉर्म्स, शाइनिंग लाइक डायमंड्स और स्टार्स। तो ये पहली ट्वीट थी जो कि एक दिन पहले हुई है, और उसके अंदर की फोटो डाल रखी थी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, री इंट्रोड्यूसिंग आवर फैंस फेवरेट डायमंड कट डिज़ाइन। तो अगर आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक दूँ पीछे का, तो आप लोग बताओ रियलमी 1 के अंदर ऐसा डायमंड कट वाला डिज़ाइन आया था जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था, और तो वही डिज़ाइन जो रियलमी 3 के अंदर वापस आ रहा है। और अगर आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाऊं, सो गाइस इस फोन के अंदर हमारे को पीछे के 7 ड्यूल कैमरास देखने को मिल रहे हैं, और फोन का डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है। जैसे कि आप लोग देखते हो केस भी इसके अंदर लगा रखा है, जो कवर है ना फोन का वो भी रियलमी की ब्रांडिंग वाला है, प्राउड टू बी यंग वाला। और पीछे से फोन डायमंड कट के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैं कह सकता हूँ प्रीमियम लग रहा है। बट एक बात यहाँ पे पक्की है कि ये फोन भी प्लास्टिक बिल्ड के साथ ही आएगा, क्योंकि काफ़ी सस्ता होने वाला है फोन। अब सेकंड ट्वीट यार हुई अभी 11 घंटे पहले ही, और माधव सेठ सर ने ये लिखा है, हैव सीन मैनी इंटरेस्टिंग स्पेक्यूलेशन रिसेंटली, हियर्स वन करेक्ट आंसर, रियलमी 3 विल हैव अ हीलियो P70 SoC, आई बिलीव इट्स द बेस्ट मिड रेंजर। तो बेसिकली उन्होंने बता दिया भैया मीडिया टेक का जो हीलियो P70 बेस्ट मिड रेंजर प्रोसेसर है जो कि इस फोन के अंदर लगाया जाएगा। तो बेसिकली ये फोन जो है सो कॉल बताया जाएगा बेस्ट मिड रेंजर, जो कि टैगलाइन दी जा रही है। और अब जो एक और चीज़ बताई गई इसकी फोटो के अंदर, हीलियो P70 वर्सेस स्नैपड्रैगन 660, तो बेसिकली उसे कंपेयर करते हुए दिखा रहे हैं स्नैपड्रैगन 660 से। अब ये जो डायरेक्ट हिंट है ना, ये मुझे लग रही है बिल्कुल ऐसे अप्रोच रेडमी नोट 7 को बॉयकॉट करने की। अब यहाँ पे एक और बात आ रही है कि जो इस फोन के अंदर कैमराज होंगे वो बेसिकली होने वाले हैं रियलमी U1+2 Pro के मिक्सरन वाले कैमराज। मिश्रण मतलब कि जो Realme 2 Pro का जो बैक कैमरा है वो अच्छा है, तो वो लगा सकते हैं इसके अंदर, लेकिन जो Realme U1 का फ्रंट कैमरा है ना वो इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिल सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सेल्फी कैमरा है। अब यार मैं चाहता हूँ कि Realme जो है ना इस बार कुछ नेक्स्ट चीज़ ट्राई करे। आई गेस यार जो वो वाली डिस्प्ले है ना यू शेप नॉच वाली, यार उससे थोड़ा हटके कुछ नया डिज़ाइन लेके आए सामने से डिस्प्ले का, तो यार मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्योंकि यार देखो, फ़ोन के अगर डिस्प्ले का डिज़ाइन सेम ही रहेगा तो यार पता भी नहीं चलेगा कौन सा फ़ोन, क्योंकि लोगों को लगेगा भाई सेम ही चीज़ ले रहे, Realme 2 Pro Realme 3 क्या डिफरेंस है। तो भाई वो चीज़ का मेरे को डिज़ाइन थोड़ा चेंज इस बार लगता है कि कर सकते हैं ब्रांड्स, बट देखते हैं क्या होता है। बाकी यार यही है Realme 3 का ऊपर की जो स्पेकुलेशन अभी बन रही है, जो कि पता चल रहा है। बट दो चीज़ें जो कि बिल्कुल ऐसे पता चल गई, एक तो डिज़ाइन पीछे का और Helio P70 कन्फर्म्ड है। तो फोन जो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। P70 की परफॉर्मेंस हम लोगों ने देख ही ली है, अब देखते हैं भाई Redmi Note 7 का प्राइस और Realme 3 का प्राइस क्या रहता है। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो। अगर आप लोग पसंद आई यार इस वीडियो, तो एक बड़ा सा लाइक, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम लोग ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं। और नीचे लाइक का बटन है, सब्सक्राइब का बटन है, फटाफट से दबाओ ना, 2 लाख करवाओ, गिव अवे आएगा। तो मिलता हूँ आपसे कल वाली वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।